या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़ा पहा देव पूजी पूजी हिंदू मुनि देव पूजी पूजी हिंदू मुनि तुरक मुए हाज जाई तुरक मुए हाज जाई देव पूजी पूजी हिंदू मुनि जटा बांधे बांधे जोगी मुए इन मैं किन हो न पाए देव पूजी पूजी हिंदू मुए। आज से कई बरस पहले की बात है, 12 साल की एक लड़की कलकत्ता के सदारंग सम्मेलन में पहली भाषण और उसने अपनी शास्त्रीय संगीत की गायकी से 3.5 सप्तक की ऐसी ताने साफ ली कि वहां सुनने वाले बहुत बड़े बड़े संगीत पंडित उस्तादों को चौंका थी। वो हैं आज की बहुत बड़ी फनकारा गुलुकारा बेगम परवीन सुल्ताना। परवीन सुल्ताना एक खुश मिजाज शख्सियत का नाम है। ये संगीत को कुदरत का सबसे हसीन तोहफा मानती हैं। Yes, I believe संगीत डिवाइन है। ये देवताओं की वाणी है। संगीत का वास सिर्फ गले में नहीं होता। संसार में जहाँ जहाँ हुस्न है, सुंदरता है, वहाँ संगीत है। संगीत प्रीत है, ये नफरत पर मोहब्बत की जीत है। Yeah.
बिरयानी बिरयानी खाने के लिए आए थे। अरे वाह, प्लीज डू कम अगेन। थैंक यू मम्मी डैडी, मम्मी डैडी आई लव यू, आई लव यू। सी द बेबी डांसिंग, सी द बेबी डांसिंग जस्ट फॉर यू। अरे आइए नवीन जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गंधर्व कला निधि, क्लियोपेट्रा ऑफ म्यूजिक, पद्मश्री परवीन सुल्ताना, ये आटा घी सब क्या हो रहा है? ये मान सम्मान तो मेरे कला के लिए है। आपको तो मालूम है नवीन जी, मैं कलाकार होने के बावजूद एक पत्नी भी हूँ, घर वाली भी हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा आप बैठिए प्लीज, मैं अभी हाथ धो के आता हूँ। प्लीज कहिए नवीन जी, आप क्या लेंगे, चाय या कुछ ठंडा? प्रवीण जी आप गाते भी बहुत अच्छे हैं और भगवान ने आपको बनाया भी बहुत खूबसूरत है। इन दोनों चीजों ने जो मैं पूछने आया था ना वही भुला दिया मुझे। कोई बात नहीं, पहले आप चाय तो पी लीजिए, शायद याद आ जाए। क्यों राही? अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, चाय नहीं। क्यों? हम तो बिरयानी खाने आए हैं। रियली? जी। बेटे आ जाओ, अंकल को नमस्ते करो। ये देखो अंकल, ये अंकल आपको टॉफी देंगे। नमस्ते नमस्ते। आदाब आदाब आदाब। थैंक यू। अरे आपकी बेटी तो बहुत बड़ी कलाकार है। कलाकारों के घर में पैदा हुई है ना, इसलिए। अच्छा परवीन जी एक बात बताइए, आपको गायिका बनाने में किस किस का हाथ था? देखिए सबसे बड़ा हाथ तो मेरे वालिद साहब जो हैं, जो थे जनाब इकरामुल मजीद, उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ। उसके बाद पंडित चिन्मय लहरी जी, जिनसे मैंने सीखा कलकत्ता के, वो भी नहीं रहे आज हमारे बीच, उनसे मैंने सीखा। फिर बाद में उस्ताद दिलशाद खान साहब, जो कि मेरे पति हैं और गुरु भी हैं। अच्छा प्रवीण जी आप दोनों की मुलाकात आसाम में हुई या बंगाल में? जी नहीं, बॉम्बे में, और मेरी एक सहेली के घर पे पहले मुलाकात हुई, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप इनका रेडियो प्रोग्राम सुने, हालांकि हम उनके बारे में काफ़ी सुन चुके थे, उनके शोहरत के बारे में। और फिर प्रोग्राम सुना मैंने और अब्बा ने, बहुत अच्छा लगा। उस दिन से हमने तय की कि मुझे इनसे गाना सीखना है।
So that's how we know each other. We are together. प्रवीण जी, आपके पति बंगाली, आप आसाम की और आपके वालिद अफगानी और आपकी बच्ची क्योंकि बंबई में पैदा हुई है तो वो महाराष्ट्रियन हो गई। आपका परिवार तो कई घरानों का संगम है। इसी संगम को हर युग में कल्चर या तहजीब कहा जाता है और संगीत में भी सात सुर मिलकर ही सरगम की रचना करते हैं, नए राग को जन्म देते हैं। जाहिर है आप हर भाषा में गाती होंगी, क्यों ना थोड़ा थोड़ा हमको भी सुना दे। जरूर लीजिए, मैं आप ही की भाषा में एक पंजाबी गीत सुनाती हूँ जिसे मुझे मरहूम जयदेव साहब ने सिखाया था। अच्छा सुनिए, अब मैं आपको सुना दूँ असामीज की। अच्छा। जो मेरी मातृभाषा है। सुनिए फिर क्या सुना, बंगाली सुना? बंगाली सुनाइए। ये आरडी बर्मन साहब का एक ट्यून है। अच्छा एक मराठी गाना भी सुनिए।
बहुत मशहूर है। रसिका वाह 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 प्रवीण जी, मजा आ गया, बहुत अच्छे। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं प्रवीण जी आप? कल आपका कॉन्सर्ट सुन रहा है कि गला वाला खराब हो गया तो? कुछ नहीं होता है, मैं तो खाती हूँ, मुझे खट्टा भी पसंद है, ये सब मैं कुछ नहीं मानती। अच्छा, आप भी खाइए ना। नहीं, आप खा लीजिए, कुछ नहीं होता है, मैं तो सब खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Bye.
said.